हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आईएएस एग्ज़ाम्स के बारे में बता रहा हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले आईएएस के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ओवरव्यू अबाउट आईएएस एग्ज़ाम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट फॉर आईएएस, एग्ज़ाम पैटर्न फॉर आईएएस, सिलेबस बताऊँगा मैं आईएएस एग्ज़ाम्स का, कट ऑफ मार्क्स बताऊँगा कि कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है प्रीलिम्स का, मेंस का, और ओवरऑल सिलेक्शंस के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत है। जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताऊँगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या पूछा जाता है। टाइम टेबल्स मैं बताऊँगा आपको, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, और ये भी बताऊँगा कि हम कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण हम लोगों का इस सिलेक्शन एग्जाम्स में नहीं हो पाता। तो आइए हम वन बाई वन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आईएएस एग्ज़ाम्स के बारे में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, 15% जो इंडिया की जीडीपी होती है वो लाइज करती है इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आती है रेलवे, रोड्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क, पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और ये सारे डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं एक क्लास ए ऑफिसर कॉल्ड एज आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस ऑफिसर इन सब को ऑपरेट करते हैं, और आईएएस ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो इनिशियल सैलरी होती है 65,000 पर मंथ, और जो इनिशियल उनका ग्रेड पे चलता है वो 5,400 लगता है। अब आते हैं नोटिफिकेशंस पे आते हैं। तो जो नोटिफिकेशन इशू होता है एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करूँ तो सितंबर में आईएएस का नोटिफिकेशन आता है, जनवरी 1 वीक में उसका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, और मेंस का जो एग्ज़ाम्स होता है वो जून के लास्ट वीक में होता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, आईएएस में जो है बीई बीटेक पास वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और कोई स्टूडेंट जो बीई बीटेक में फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकता है आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए। आईएएस एग्ज़ाम्स की जो एज लिमिट होती है वो 21 साल से 30 साल तक होती है, और इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी है। जैसे आप यदि ओबीसी वाले तो 3 साल आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा, आप 33 तक फॉर्म भर सकते हैं, एस सी एस टी वाले 35 के एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी वाले या हैंडीकैप्ड वाले 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए आप 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं आईएएस का, तो उसके लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो वो आप इन दोनों के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यदि आप 2021 का एग्ज़ाम्स बैठ रहे 21 का, तो आप ध्यान रखिए कि 2 जनवरी 1991 से लेके 1 जनवरी 2020 के बीच में आपका डेट या बॉर्न डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका जन्म हुआ होना चाहिए। सपोज़ आप 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप समझ लीजिए कि एक एक साल इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा, 1991 से 1992 हो जाएगा और 2000 का 2001 हो जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। 21 से 30 साल जो एज लिमिट होती है वो जनरल वालों के लिए होती है, 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी, 5 साल का एसटीएससी और 10 साल का एज रिलैक्सेशन हैंडीकैप्ड वालों के लिए होता है। दूसरी चीज़, जैसे यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में अटेम्प्ट लिमिट होती है, लेकिन आईएएस में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होती है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज लिमिट भी कोई नहीं होती आईएएस एग्ज़ाम में, कोई भी परसेंटेज का आदमी फॉर्म भर सकता है। ये एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है बेसिकली आईएएस जो एग्ज़ाम्स होता है वो 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 500 मार्क्स का पेपर होता है। मेंस का जो पेपर होता है वो 600 मार्क्स का होता है, ये कन्वेंशनल पेपर होता है। और इंटरव्यू जो होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो 1300 मार्क्स में डिवाइडेड है, टोटल जो ओवरऑल जो पेपर होते हैं सब सम ऑफ टोटल तीनों को मिला के वो 1300 मार्क्स का होता है। अब सबसे पहली चीज़ होती है प्रीलिम्स या जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम्स बोलते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेज क्वालिफाइड करेंगे तो हम सेकेंड स्टेज में पहुँचेंगे, सेकेंड स्टेज क्वालिफाइड करने के बाद हम थर्ड स्टेज में पहुँचेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है प्रीलिम्स वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जीएस एंड एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और दूसरा जो है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्पेसिफिक ब्रांच। जो भी आपके टेक्निकल ब्रांच होंगे, जैसे सपोज आप ईसी वाले तो आपका टेक्निकल पेपर ईसी का होगा, डबल ई वाले हैं तो डबल ई का होगा, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का, सिविल वाले तो सिविल का पेपर होगा। ये वाला पेपर जो है फर्स्ट पेपर वो सभी का कॉमन होगा। तो जो जीएस का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है ये। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का जो पेपर होता है, इसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं। सपोज़ मान लीजिए आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, या सपोज़ कीजिए 14 सब्जेक्ट है, तो 12 के 12 या 14 के 14 सारे सब्जेक्ट एक साथ वो इस वाले पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, और ये टोटल 300 मार्क्स का होता है। अब देखिए जो प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स एक ही दिन होता है प्रीलिम्स का पेपर। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होता है जीएस का पेपर, उसके बाद आपको कुछ देर का ब्रेक के बाद आपका जो सेकंड पेपर होता है उसी दिन, वो होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के या टेक्निकल का आपका पेपर होता है। तो इन चीज़ों आप कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर एक ही दिन होता है लेकिन दोनों पेपर की टाइमिंग अलग अलग होती है। फिर आते हैं मेंस के पेपर में, तो देखिए मेंस का पेपर भी एक ही दिन होता है लेकिन इसकी टाइमिंग अलग होती है। पेपर 1 जो कन्वेंशनल होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, कन्वेंशनल पेपर 2 जो होता है वो इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो आप जो मेंस का पेपर होता है, जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप फिर मेंस के लिए फिर होंगे। तो मेंस में जो पेपर होता है वो 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, और दोनों पेपर जो होते हैं रिटर्न पेपर होते हैं, लिखित परीक्षा होती है। तो आप जैसे मान लीजिए आप किसी ब्रांच में आपके 12 से 14 सब्जेक्ट हैं, तो कन्वेंशनल पेपर 1 में आधे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि इसमें 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट पूछे गए, और बाकी जो रिमेनिंग 6 और 7 सब्जेक्ट है वो कन्वेंशनल पेपर 2 में पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट्स है वो हाफ हाफ में डिवाइड होके आधा पेपर कन्वेंशनल पेपर 1 होता है, और हर रिमेनिंग हाफ का पेपर कन्वेंशनल 2 होता है। तो टोटल इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। फिर सेकंड पेपर भी सेम ऐसे ही होता है जो कि 3 घंटे का होता है, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, ये भी 300 मार्क्स का होता है। अब जो कन्वेंशनल पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 सेक्शन में पूछे जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब जो कन्वेंशनल पेपर में सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जैसे 8 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 में होते हैं इंक्लूड, और 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 2 में। तो जो सेक्शन 1 में होते हैं क्वेश्चंस, उसका पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, और सेक्शन 2 का भी पहला क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 करना मैंडेटरी रहता है। बाकी के जो 2 क्वेश्चंस के बाद बाकी के जो 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको या तो इनमें से एक जरूरी है या इनमें से एक करना जरूरी है। तो आप सपोज़ इसमें से 2 क्वेश्चंस कर लिए और इसमें से एक कर लिए, तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। सपोज़ आपने इसमें से एक किए तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आते हैं इंटरव्यू पे, तो इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है, 15 से 20 मिनट चलता है, और ये टोटल आपका प्रेजेंट ऑफ टाइम और प्रेजेंट ऑफ माइंड और इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रीलिम्स। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कट ऑफ मार्क्स, आपको पता होना चाहिए किस किस ब्रांच का कितना कितना कट ऑफ होता है। तो ये 500 मार्क्स का जो प्रीलिम्स होता है उसके कट ऑफ मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सिविल ब्रांच का यदि हम बात करें तो 2017 में जो कट ऑफ मार्क्स था वो 202 था, फिर 207, फिर ये 2019 में थोड़ा कम हुआ 188, और फिर अगेन 2020 में 220 पे पहुंच गया। फिर सिमिलरली आप मैकेनिकल के भी देख सकते हैं, 2017 में 231, 2018 में 256, 187, 2019 में और 255 2020 में। ये देखिए 2020 का ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेटा है, ठीक है। होपफुली इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे कट ऑफ मार्क्स, सिविल ब्रांच का हाईएस्ट मैक्सिमम जो कट ऑफ मार्क्स है 220 जाना चाहिए, ये प्रेडिक्टेड है, एक्चुअल नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखिए। ये जो 2017-18-19 का ये ऑफिशियल डेटा है, यूपीएससी की साइट से लिया गया है, ये अनऑफिशियल डेटा है, तो इस बात में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम बात करें तो ये 257 गया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 230, फिर 221, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें 221, 213, ये 226। तो आप ध्यान देंगे इनमें से तो आप देखेंगे अराउंड जो कट ऑफ मार्क्स है वो 50% के आसपास है। मतलब यदि आप 250-500 मार्क्स का पेपर
है, तो आप यदि 250 नंबर 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। अब देखिए जनरल स्टडीज़ की बात करें, जनरल स्टडीज़ में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको बता देता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहला होता है करंट अफेयर, जो भी करंट एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, ये अलग सब्जेक्ट्स होते हैं दो और, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग ये पूछा जाता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये भी पूछा जाता है। फिर होता है एक और सब्जेक्ट ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको बहुत सारे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल है तो उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो UPSC का फेवरेट टॉपिक है एनवायरनमेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मटेरियल साइंस एक और सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस की प्रॉपर्टी, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी पूछी जाती है मटेरियल्स की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं यदि आप इंजीनियर हो और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके बारे में आप प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, उसका पूरा वर्किंग पूरा समझाया गया है कि एक जो कंपनीज होती है वो कैसे वर्क करती है। फिर जो आप यदि आप इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो एक और सब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर नौवा सब्जेक्ट है इथिक्स एंड वैल्यू। इथिक्स एंड वैल्यू में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एक इंजीनियर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, यदि कोई क्रूशियल इशू आ जाए तो कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में इथिक्स में बताया गया है। और आखिरी का जो टॉपिक्स होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्वालिटी एंड मेंटेनेंस, जैसे आप सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए, कम से कम डिफॉल्ट होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो होती है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। फिर जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप जो नोट्स प्रेफर कर सकते हैं वो या तो MediG के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं या IS मास्टर के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। देखिए GS क्योंकि क्या है, नया सब्जेक्ट्स है, इससे किसी भी किससे क्वेश्चंस पूछे जाएगा इसकी संभावना कोई नहीं कह सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप दोनों कोचिंग्स का मटेरियल पढ़िए, दोनों से आपको नॉलेज मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो 500 मार्क्स का पेपर होता है, यदि हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 12 से 14 सब्जेक्ट्स होते हैं और GS में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे 10 टॉपिक्स है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेक्निकल होता है 300 मार्क्स का होता है और GS हमारा 200 मार्क्स का होता है। तो जो वेटेज है अप्रॉक्स, यहाँ बात करें हम यदि टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में जो पर सब्जेक्ट एवरेज पर सब्जेक्ट वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, यहाँ पर एवरेज पर सब्जेक्ट वेटेज 20 मार्क्स है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाए, कई बार क्या होता है किसी सब्जेक्ट्स के से 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अनदर सब्जेक्ट से 30 से 35 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो UPSC कभी भी किसी भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी से भी कम पूछ लेता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए आप प्रिपरेशन जो है आपको सभी की करनी पड़ेगी। तो ये हम अप्रॉक्स या एवरेज मान के चल रहे हैं। तो देखिए अब आते हैं टाइम टेबल के बारे में, हम क्या टाइम टेबल फॉलो करेंगे जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो देखिए मैंने 6 मंथ का यहाँ पे टाइम टेबल और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल हमारे पास 180 टेस्ट होते हैं और हमारे पास टेक्निकल के सब्जेक्ट होते हैं, एवरेज सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं कि टेक्निकल के हमारे पास 12 सब्जेक्ट हैं। तो जो स्टडी प्लान है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 72 डेज, 60 डेज और 48 डेज। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स है, तो यदि हम 72 डेज़ को 12 से डिवाइड करेंगे तो पर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो टाइम मिलेगा वो 6 डे का आएगा। तो देखिए हमें 6 डे में हमें एक टेक्निकल सब्जेक्ट ख़त्म करना है और प्लस साथ में एक हमें GS का चैप्टर भी या GS का एक टॉपिक भी ख़त्म करना है, क्योंकि तभी हम इस टाइप से स्टडी करेंगे, तभी हमारा जो है 6 मंथ्स में हमारी पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो हो पाएगी और हम टेक्निकल प्लस GS दोनों जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्सन्स हैं वो हम कवर कर पाएंगे। दूसरा जो वो है जो प्लान है उसमें हम 60 डेज में सारे टॉपिक्स
टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इस हिसाब से हमें 5 डे पर जीएस प्लस टेक्निकल के लिए मिलेंगे हमें, तो 5 डे पर सब्जेक्ट मिलेंगे। तो सेम हमें इस टाइप से फॉलो करना है। तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें पूरा सिलेबस 72 डेज़ में ख़त्म करना है, सेकेंड टाइम में 60 डेज़ में, और थर्ड टाइम में 48 डेज़ में। देखिए थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है अलग अलग तरीके से, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी सब्जेक्ट्स में कम टाइम में हो जाए, किसी में ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो ये एक 6 मंथ का एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। अब देखिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आईएएस के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के सारे कन्वेंशनल पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप आईएएस ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल दोनों प्रीवियस ईयर के आईएएस के पेपर सॉल्व कर लीजिए। फिर आप क्लास नोट्स को रिवाइज़ कीजिए बार बार, स्टडी मटेरियल को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। फिर और आप थ्योरी पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा, थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मोर देन 6 टाइम आप थ्योरी पढ़िए। देखिए अब पहले क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, आईएएस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता था, लेकिन अब आईएएस जो होता है, आईएएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सारे नए क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप थ्योरी पढ़ेंगे, क्लास नोट्स पढ़ेंगे और स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इनकेस आपको नए क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, नए क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा से पूरे के पूरे क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आईएएस होता है, न्यू क्वेश्चन डेवलप करता है। फिर आप क्या कीजिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल पेपर जो आपकी डिफरेंट ब्रांच है उसके सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप ईसी वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल के सॉल्व कर लीजिए, मैकेनिकल वाले तो सिविल के, जो कॉमन पेपर है आपके ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होता है, कई बार ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट ब्रांच के दूसरी ब्रांच में रिपीट हो जाते हैं। और जनरल स्टडी के लिए आप क्या कीजिए, मेडिजी के मटेरियल और आईएएस के मटेरियल प्रेफर कीजिए। आप दोनों के थ्योरी बुक्स और क्लास नोट्स दोनों पढ़िए। टेस्ट सीरीज के लिए आप देखिए, गेट के एग्ज़ाम्स होता है तो गेट में मेडिजी और एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, लेकिन आईएएस के एग्ज़ाम्स में मेडिजी और आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है। और आप दोनों टेस्ट सीरीज कभी मत लगाइएगा, पहले एक टेस्ट सीरीज लगाइए, उसको सारे सॉल्व कीजिए, उसके बाद दूसरी टेस्ट सीरीज को लगा के सॉल्व कीजिएगा। कई बार बच्चे एक्साइटमेंट में दोनों टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं और वो टेस्ट ही नहीं दे पाते, तो अननेसेसरी पैसे वेस्ट मत कीजिएगा। और जो प्रिपरेशन होती है तो कोशिश कीजिए आप प्रिपरेशन जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हमारी 70 to 80% 75 to 85 मार्क स्कोर करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम इस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तब जाके हमारे 50 to 55% मार्क्स आ पाएंगे ओवरऑल। तो जैसे सपोज कीजिए आप 500 का पेपर होता है प्रीलिम्स का, आप जीएस के जो होता है 200 मार्क्स का होता है, टेक्निकल 300 मार्क्स का होता है। तो सपोज़ कीजिए आप 75 to 80% आपकी तैयारी होती है, तो सपोज़ कीजिए आपका जो तैयारी का लेवल जो है जीएस में आप 150 से 160 के बीच में आपका लेवल है तैयारी का, और टेक्निकल में आप 220 से 230 के बीच में आप अटेम्प्ट करके आते हैं। तो सपोज़ कीजिए आप इतने मार्क्स आपके नहीं भी आए, सपोज़ कीजिए आपको 150 160 में से जीएस में 100 मार्क्स आ गए और टेक्निकल में आपके 170 मार्क्स आ गए, 230 230 मार्क्स ना आकर आपके 170 मार्क्स आए, और दोनों के यदि आप सम करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर जाएंगे, और 270 स्कोर बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। एक और चीज़ का बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना अच्छा आप जीएस और टेक्निकल में स्कोर करेंगे, प्रीलिम्स में स्कोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ओवरऑल सिलेक्शन में फ़ायदा होगा। जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें आपको रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, और जो मेंस के पेपर में आप यदि लो भी स्कोर होता है या इंटरव्यू में आपके कम स्कोर भी आते हैं, लेकिन आप प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो उसका एडवांटेज आपको ओवरऑल सिलेक्शंस में भी मिलता है। आपको बताता हूँ, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल होने के कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती। कई बच्चे दो दो तीन तीन साल पेपर देते हैं, उनके मार्क्स नहीं आ पाते, तो उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि सबसे पहले आप अपनी अप्रोच, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा सबसे पहले आप अपनी अप्रोच बदल लीजिए। दूसरी चीज़ें, जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कि आप जानते हैं एग्ज़ाम जो होता है वो तीन लेवल, तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। ईजी जो होता है वो 15 से 25% होता है, और मॉडरेट पेपर जो होता है 30 से 40% होता है। मतलब यदि आप यहाँ पर
ये दोनों पोर्शंस को मान के चले, तो आप मान के चलिए कि 50 से 60% जो पेपर होता है वो आपका इजी पेपर में जाता है। आप इन दोनों पोर्शंस को आप आसानी से यदि अच्छे से पढ़ लेंगे, इन दोनों जो पेपर्स लेवल है उन दोनों को अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, तो आपका 50 से 60% मार्क्स आ जाएंगे। और जो कि प्रीलिम्स या किसी भी एग्ज़ाम्स को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आपको इन दोनों पोर्शंस में ध्यान देना है, इन दोनों पोर्शंस में ज़्यादा मेहनत करनी है। और जो मिस्टेक्स होती है वो ज़्यादातर जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो होती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स मतलब कॉमन मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियाँ। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले कीजिए, आसान क्वेश्चन को सबसे पहले कर लीजिए, तो आपके पास टाइम बचेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं आप, तो बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो आप एक ही लाइन में करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इससे आप गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि सफाई से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दूसरा है, आप केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज़ ट्रू विच इज़ नॉट ट्रू, यूनिट्स क्या दी हुई है, किस यूनिट्स में आंसर पूछा गया है, साइन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िएगा। कई बार बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ के, गलत क्वेश्चन टिक कर देते हैं। तीसरी जो मिस्टेक्स, और जो एक और मिस्टेक्स होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है, तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी मिस्टेक्स सुधरेगी। कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। दूसरी चीज़, नेवर स्पेंड मोर टाइम ऑन अ क्वेश्चन। देखिए कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चंस में लगा देते हैं, तो जिससे जो आपको बनने वाले क्वेश्चंस है वो भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम नहीं बचता, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़, ये एक और चीज़ है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिए, कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो। और एक और जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ये होती है, आप अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, आंसर भी सही लेके आ जाते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को गलत टिक कर देते हैं, इससे भी कई बार आपको नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स होती है, इनको आप अवॉइड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे दीजिए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अब आइए हम 2019 में जिन जिन बच्चों ने आईएएस में टॉप किया था उनके मार्क्स देख लेते हैं। तो आप देखें, यहाँ पे देखेंगे तो ये सिविल ब्रांच का है, आप देख सकते हैं सिविल ब्रांच में जीएस में 118 नंबर, टेक्निकल में 167, फिर कन्वेंशनल पेपर वन में 214, फिर सिविल इंजीनियरिंग में 210, रिटर्न टोटल जो होता है 710, इंटरव्यू 132, टोटल जो मार्क्स इन्होंने अचीव किए वो 842 मार्क्स लेके आए इन्होंने, ठीक है। तो ये सिविल ब्रांच का है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, तो आप देख सकते हैं इनके जीएस में मार्क्स कम है, 90 है, टेक्निकल में इन्होंने 190 स्कोर किया हुआ है, फिर कन्वेंशनल में 181 और कन्वेंशनल पेपर टू में 194, ओवरऑल इन्होंने 793 मार्क्स अचीव किए हैं। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो 96 जीएस में, फिर इन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत अच्छा, टेक्निकल में बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, 216, 216 मार्क्स, और इनके कन्वेंशनल पेपर में भी अच्छे मार्क्स है, 247, 208, टोटल इन्होंने 870 मार्क्स अचीव किए हैं। फिर आते हैं हम लोग मैकेनिकल ब्रांच का देखते हैं, तो मैकेनिकल ब्रांच में आप देखेंगे जीएस में 101, मैकेनिकल में 150, और इन्होंने टेक्निकल कन्वेंशनल पेपर वन पेपर टू में 227, 227 मार्क्स लाए हैं, और टोटल इनका स्कोर है 817। तो ये टॉपर्स के मार्क्स है जो 2019 में जिन लोगों ने टॉप किया था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।